साल 2004 में सोनी टीवी पर इंडियन आइडल का पहला सीजन आया था। पूरे देश में इस सिंगिंग शो का क्रेज था। अनु मलिक, सोनू निगम और फराह खान इस शो के जज थे। इस शो में दो सिंगर अमित सना और अभिजीत सावंत फिनाले तक पहुंचे थे और शो को अभिजीत सावंत ने जीता था। हालांकि कई लोग चाहते थे कि अमित सना इस शो को जीते और अमित ही इस शो के विजेता होने के दावेदार भी थे, लेकिन अमित शो के रनर अप रहे और अभिजीत सावंत विजेता। अब कई सालों बाद अमित ने इस शो में अपनी हार के पीछे की साजिश बताई है। अमित ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इस शो में अपने हारने के संभावित कारण के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे ये नहीं पता है कि यह सही है या गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने इसके बारे में आज तक नहीं बोला है कि यह बात लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि मेरी वोटिंग लाइंस को 2 दिन पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था और यह तब हुआ था जब वोटिंग लाइंस बंद होने वाली थी। तो ऐसी चीजें अपने आप तो नहीं होती हैं। मेरे परिवार वालों ने बताया था कि वो मुझे वोट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसे अभिजीत सावंत को वोट कर पा रहे हैं और तब मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा कई लोगों ने मुझे बताया कि इसमें काफी पॉलिटिक्स भी की जा रही है, लेकिन मैं ये जो भी कह रहा हूँ ये मैंने कई लोगों से सुना है। इस पर मेरा खुद का कोई रिसर्च या सबूत नहीं है। आगे अमित ने अपने आप को इस शो के विजेता होने का हकदार बताते हुए कहा कि लेकिन जिस दिन मैंने अपना फिनाले दिया था तो मुझे लगा था कि मैं इसका हकदार हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अभिजीत सावंत इसका हकदार नहीं था, लेकिन इस जीत के कई और फैक्टर्स भी थे। अंत में अमित ने कहा कि उन्हें उस दिन थोड़ा बुरा जरूर लगा था, लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लहरें।